दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पठार। पठार क्या होते हैं? वो क्षेत्र जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ऊपर खाबड़ धरातल वाला होता है, चट्टानी प्रदेश होता है और ऊपर से समतल होता है, वो क्षेत्र आ जाता है पठार के अंदर। राजस्थान में जो प्रमुख पठार है उनमें सबसे पहले आता है सिरोही जिले के अंदर। सिरोही जिले के अंदर पहला जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उडिया पठार। उडिया पठार ये सिरोही जिले में है। उडिया पठार सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। 1360 मीटर है उडिया पठार, यानी ये सिरोही जिले में है। यहाँ पर उडिया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उडिया पठार है जो सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, और भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख है। दूसरा जो राजस्थान का प्रमुख पठार है यानी उडिया पठार यहाँ पे आता है, सिरोही में आता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। दूसरा पठार है आबू का पठार। आबू का पठार भी सिरोही में ही है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू का पठार सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संख्या दी। तीसरा प्रमुख पठार आता है घोराट का पठार। घोराट का पठार यहाँ पर है, इधर आ जाता है कुंभलगढ़। यहाँ पे राजसमंद है और यह है उदयपुर। तो उदयपुर और राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, उदयपुर के अंदर यहाँ पर पहाड़ी है गोकुंडा की पहाड़ी। तीसरा पठार आ जाएगा घोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है? तो बोराट का जो पठार है वो इसकी ऊंचाई है बोराट के पठार की वो 920 मीटर। बोराट का पठार है वो यहाँ से है कुंभलगढ़। बोराट का पठार कुंभलगढ़ आता है राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ राजसमंद से इधर आ जाता है गोकुंडा की पहाड़ में, गोकुंडा उदयपुर के बीच में मिला, यानी कुंभलगढ़ राजसमंद से गोकुंडा की पहाड़ियां उदयपुर जिले के बीच के अंदर, कुंभलगढ़ और गोकुंडा की पहाड़ी के बीच में जो स्थित पठार हुआ है घोराट का पठार। घोराट का पठार की ऊंचाई 220 मीटर है और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। चौथा पठार है मेसा पठार। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में है। मेसा पठार की ऊंचाई है वह 630 मीटर। मेसा पठार राजस्थान का चौथा सबसे ऊंचा पठार है और ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा पठार पर ही स्थित है। उसके बाद में आगे देखते हैं देश हरों का पठार है वो है उदयपुर जिले में। कहां से कहां तक है? तो देश हरों का जो पठार है वो है रागा, एक तरफ आती है रागा और दूसरी तरफ आती है चरका, यानी देश हरों का पठार इधर आ जाता है रागा चरका पहाड़िया, तो इधर आ जाएगी रागा पहाड़िया। जरका और रागा के बीच का जो पठार है उसे कहा जाता है देश हरों का पठार, क्योंकि यह क्षेत्र वो सदा हरा भरा रहता है। सदा हरा भरा रहने के कारण इस पठार को कहा जाता है देश हरों का पठार। जरका और रागा के बीच में उदयपुर जिले में जो सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है उसे कहा जाता है देश हरों का पठार। इसके बाद में लसाड़िया का पठार भी उदयपुर में है, उदयपुर जिले में है। उदयपुर से इधर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ तक फैला हुआ लसाड़िया का पठार, यहाँ पर जयसमंद झील है, तो जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर जिले में स्थित है लसाड़िया का पठार। ये जयसमंद झील के पूर्व में आ जाता है और लगभग कटा पटा होकर इधर आ जाता है चित्तौड़गढ़ जिला, इधर प्रतापगढ़ जिला, यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद में है मंदेसरा का पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में है। मंदेसरा का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में आता है
नेक्स्ट आगे देखते हैं, उसके बाद में ऊपर माल का था, ऊपर माल का पठा, ऊपर माल का प्रकार है वो यहां पर भैंस रोड कट डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, यानी ये है भैंस रोड कट, भैंस रोड कट, भैंस रोड कट चित्तौड़ जिले में, इधर आ जाता है बिजोलिया, बिजोलिया यहां पर है, बिजोलिया भीमवाड़ा से भैंस रोड कट चित्तौड़ जिले के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है ऊपर माल का पठार। फिर गुजरात की पाया, गुजरात का इस क्षेत्र में आ जाता है बिजोले से, इधर जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है ये आ जाता है बीजासन का पठार। उसके बाद क्या आता है कोतवार का पठार, कोतवार का पठार, कोतवार का पठार जयपुर और अलवर जिले में फैला हुआ है। तो ये राजस्थान के प्रमुख प्रमुख पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया पठार है जो सिरोही जिले में, दूसरा सबसे ऊंचा पठार तो आबू पठार है वो भी सिरोही जिले में है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है, आबू पठार की ऊंचाई है वह 1200 मीटर। तीसरा सबसे ऊंचा पठार भोराड़ का पठार है जो उदयपुर की गोकुंडा की पहाड़ी से लगाकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में स्थित पठार कहा जाता है भोराड़ का पठार। उसके बाद देश रोड का पठार है जो जरगा और दरगा पहाड़ी के बीच में है उदयपुर जिले में, इधर आ जाएगा जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है, जबकि मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, मंदेसरा पठार के चित्तौड़गढ़ जिले में, यहाँ पर ऊपर माल का पठार जो बिजोलिया भीलवाड़ा से लगाकर भैंस रोड का चित्तौड़गढ़ के बीच में जो स्थित पठार है वह ऊपर माल का पठार, इधर बिजासन का पठार है, बिजासन का पठार यहाँ पर बिजोलिया से इधर भीलवाड़ा में इस साइड में आ जाता है बिजासन का पठार, और यहाँ पर है कोतवार का पठार जयपुर और अलवर के अंदर है कोतवार का पठार। तो ये हो गए दोस्तों राजस्थान के प्रमुख पठार।